8 साल पहले मेरी बेटी रानी को उल्टी दस्त हो रही थी। इसी दौरान अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनका ब्लड का जांच होना है, पेशाब का जांच होना है। और जब ब्लड का जांच हुआ तो पता चला कि सिकल सेल एनीमिया हो गया है। भारत में सबसे ज़्यादा राजनांदगांव जिला एक नंबर में सिकल सेल के से प्रभावित है। और राजनांदगांव जिला एक आदिवासी इलाका है, पिछला इलाका है, लोग इस तरह से कोई चीज़ जानते ही नहीं है। तो मुझे इंडियन हट में काम करने का मौका मिला तो ये सिकल सेल एनीमिया को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। इसकी बीमारी के बारे में हमको जो है पता नहीं था। जब बच्चे को बुखार आना शुरू हो गया तो हम लोग जो है इसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर जो है जांच के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद बताया गया कि बच्चे को सिकलिंग है। हाथ पैर सूजन हो जाते थे, बुखार आते थे, सर्दी होते थे, बहुत थकावट लगते थे, खाना वाना नहीं खा पाते। उसके कारण डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बताया कि खून जांच करना पड़ी। खून जांच करके बताया कि इसको सिकल सेल का बीमारी है। हम कभी नहीं जानते सिकल सेल की बीमारी। इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं था? इसके पहले शासन के द्वारा या अन्य कोई सामाजिक संस्था के द्वारा ऐसा कोई सिकलिंग के ऊपर जन जागरण कार्यक्रम नहीं चलाया गया, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इन पर अन्य बीमारी जैसे मलेरिया की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, इस पर विशेष अभियान चलाती है स्वास्थ्य विभाग के दौरान। इसी तरह कम से कम सिकलिंग की बीमारी पर भी एक अभियान चलाए गांव स्तर पर, चौक चौक में, मोहल्ले में, गांव स्तर पर। सरकार को भी चाहिए कि सिकलिंग का व्यक्ति जो बीमारी है सिकलिंग का, उस परिवार को भी कुछ बेनिफिट दिला सके, कुछ लाभ दिला सके। इस पर कम से कम ब्लड की व्यवस्था करना रहता है तो उस परिवार वाले कितना ब्लड की व्यवस्था करें। इस पर कम से कम सरकार को चाहिए कि उसकी ब्लड की व्यवस्था उस परिवार को कर दे, ताकि उसको महीने दो महीने में जो ब्लड लगता है, जो ब्लड है पानी में तब्दील हो जाता है, उसकी पूर्ति कर पाए शासन को। ऐसा एक पहल उठाना चाहिए। विशेष व्यवस्था होनी चाहिए हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, जिससे सिकलिंग वाले लोग मुफ्त में जाकर इलाज करा सकें और वो अपनी बीमारी से निजात पा सके। मैं चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और इसमें जो बीमारी के लिए जो दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जो योजना है, उसको आदिवासियों के बीच में क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। मैं भान साहू, इंडिया अनहट के लिए।